हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक नॉर्मल बार कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बार क्या होती है? देखिए, एक स्क्वायर बॉक्स जो कि सॉलिड हो सकता है या सॉलिड ना हो। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं बार क्या होती है। ठीक है, बार हम लोग कहेंगे किसको, क्योंकि ऐसे तो स्क्वायर बॉक्स भी एक बॉक्स मतलब स्क्वायर टाइप का बॉक्स ही होता है, जिसे हम लोग अगर कंपास में बात करें तो हम लोग बार कहते हैं। ठीक है, तो बार ड्रॉ कैसे, देखिए ये एक नॉर्मल सा बॉक्स जिसमें, अरे ये बॉक्स ही होता है जिसे हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें बार नाम से जैसे अलग अलग नाम होते हैं तो उसको यहाँ पर हम लोग बार कहते हैं। जैसे चॉकलेट क्या शेप क्या होता है, स्क्वायर होता है, चॉकलेट बार कहते हैं उसे। तो यहाँ पे बस बार से वही मतलब है कि एक ऐसी बार को ड्रॉ करना। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, एक थ्री डी बार होती है जिसमें कुछ डेप्थ होती है, और ये नॉर्मल जो टू डायमेंशनल में बनी है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब तो यहाँ पे पहले देखिए, जैसे हमारी ये कंपाइलर की स्क्रीन है ना, तो यहाँ पे हमारी एक देखिए सॉलिड बार बनी है, मतलब इसके अंदर पूरा फिल्ड है, ये कहीं से खाली नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे पास फोर ऑर्गूमेंट्स होते हैं, जो होते हैं लेफ्ट कॉमा टॉप, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ठीक है, ये भी नाम थोड़ा पेंट पे है तो सही नहीं लिखा है, पर ये अब देखिए इन आर्गुमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं होते क्या हैं, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम क्या है। एक्चुअली ये पूरी ये चारों आर्गुमेंट्स हमारी वो एक्सेस हैं जहाँ से हमको बार ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये लेफ्ट टॉप कह दिए, आप देखिए ये बार का हिस्सा किस साइड पर है, ये ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, बार के लेफ्ट साइड में, और किधर पर है, टॉप पर है ना, तो ये हमारा लेफ्ट टॉप है, लेफ्ट कॉमा टॉप। ये पहले दो आर्गुमेंट्स हो गए, और हमारा इस बार में देखिए ये हिस्सा किस साइड है, ये हमारा है राइट साइड में, और किस में, बॉटम में, तो ये हमारा राइट बॉटम है। ठीक है, इन्हीं चार आर्गुमेंट्स की मदद से हम लोग एक नॉर्मल 2D बार और 2D बार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बार एक्चुअली जो बना है बॉक्स, यही एक बार है, जैसे चॉकलेट भी स्क्वायर शेप में होती है तो चॉकलेट बार कहते हैं हम लोग, चॉकलेट स्क्वायर नहीं कहते। ठीक है, तो ये चॉकलेट बार, ओह सॉरी, ये नॉर्मल एक बार हो गई। ठीक है, अब 3D बार, ये बार फंक्शन में आप ये चार आर्गुमेंट्स देंगे तो नॉर्मली ऐसे बार ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और ये लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम, ये हमारा कि स्क्रीन के किस लोकेशन पे हमको ड्रॉ करनी है, लेफ्ट की वैल्यू जितनी होगी और टॉप की वैल्यू जितनी होगी, बार वहाँ से ड्रॉ होना चालू होगी, और राइट बॉटम आप जो देंगे लेफ्ट और टॉप के मतलब लेफ्ट और टॉप को डिसाइड करते हुए राइट बॉटम जो देंगे बार उस तरह ड्रॉ हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 3D बार के बारे में, बता दें यहाँ से। ठीक है, 3D बार देखिए कैसी होती है। 3D बार में पहले तो हम लोग नॉर्मल बार ही ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल बार ये हो गई ना, इसको कुछ कलर फिल कर देते हैं, जैसे ही फिल कर दिया, ये देखिए ये 2D बार है। इसके लिए केवल चार ऑर्गुमेंट्स हमारे पास हमको चाहिए, जो पहले भी बार फंक्शन में हमने यूज़ किए हैं, क्या, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। आप वो ऑर्गुमेंट से इतना बना सकते हैं। ठीक है, 3D बार बनानी तो दो ऑर्गुमेंट्स और जुड़ जाते हैं, वो ऑर्गुमेंट्स होते क्या हैं देखिए हम लोग, वो मैं यहाँ बताता हूँ। पहला होता है डेप्थ, डेप्थ और कॉमा टॉप फ्लैग। अब ये हैं क्या, डेप्थ कॉमा टॉप फ्लैग क्या है। ठीक है, अगर आप डेप्थ में डेप्थ की वैल्यू, ये दोनों इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, डेप्थ वैल्यू क्या है, 3D बार कैसे लगेगा आपको, 3D बार मतलब कुछ ऐसा होगा है ना, ये 3D बार हो गया, बस ये दो आर्गुमेंट्स ये इतना ही सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ हमारी होगी जितनी वैल्यू हम इसकी स्क्रीन कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने डेप्थ दे दी 20, तो ये 20 डेप्थ में जाएगा, और ये सिंगल लाइन ऐसे बस इतना इतना ड्रॉ करेगा। देखिए मैं
यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली जो इम्पोर्टेंट है, टॉप फ्लैग। ये टॉप फ्लैग क्या है? देखिए टॉप फ्लैग जो इतना ये ऊपर पोर्शन ये ड्रा हुआ है ना, ये टॉप फ्लैग है। टॉप फ्लैग ही डिसाइड करता है कि हमको ये इतना ऊपर का पोर्शन ड्रा करना है कि नहीं, ठीक है। टॉप फ्लैग की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो को छोड़ के 1, -1, 2, 3, 10 जितनी भी हो, अगर आप नॉन ज़ीरो वैल्यू देंगे तो हमारा ये ऊपर का हिस्सा ये इतना ड्रॉ होगा। अगर आप इसकी वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो ये इतना हिस्सा हमारा ड्रॉ नहीं होगा। एक नॉर्मल बार टेबल, नॉर्मल एक बस डेप्थ की कोई वैल्यू देते हैं, डेप्थ की वैल्यू के हिसाब से ये इतना हिस्सा ड्रॉ हो जाएगा जितना अभी आपको दिख रहा है, जैसे डायग्राम दिखे ना उतना ड्रॉ होगा। अगर टॉप की वैल्यू ज़ीरो रहती है तो बाकी सारे आर्गुमेंट्स आपने सही से दे दिए, टॉप की वैल्यू ज़ीरो कर दी, तो हमारे पास जो डायग्राम होगा बार का, 3D बार का, वो कुछ इस तरह होगा। टॉप फ्लैग हमारा ये डिसाइड करता है कि हमको टॉप में कोई सरफेस देना है कि नहीं। इसकी वैल्यू 1 कर दें, 2 कर दें, -1 कर दें, -2 कर दें, बस नॉन ज़ीरो अगर वैल्यू होगी तो जैसा डायग्राम है आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। इसकी टॉप फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो से कुछ भी कर दी तो यहाँ पे कैसे एक सरफेस ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एकदम लग रहा है 3D बार, तो अब इस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को हम लोग कंपाइलर पे देख लेते कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ऑर्गुमेंट्स तो याद होंगे कि ना, आपको यहीं पे दिखा देते हैं। बार फंक्शन लिखा, पहले नॉर्मल हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट दे दिया लेफ्ट कॉमा टॉप, लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से कहाँ तक और राइट से कहाँ तक। जैसे लेफ्ट से हम लोग 200 शिफ्ट हुए और टॉप से कितना नीचे आना है, ठीक है। अगर देखिए वैल्यू में 1 दे रहे हैं, ठीक है, टॉप की वैल्यू 1 दे दी, तो मतलब इसका होगा कि लेफ्ट से ये चल चुका है 200 पर, एकदम स्क्रीन के एकदम टॉप में रहेगा, 1 है ना तो स्क्रीन के एकदम टॉप में। अब यहाँ पे 300 कर दिया, बार बनाना है तो बार में जाहिर सी बात है हाइट होनी चाहिए। अगर आप हाइट 1 कर देंगे तो एक सिंपल लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि उसको डेप्थ मिली नहीं है, एक ही लाइन पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट जैसे 1 है तो यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम 200 तो चल चुका है लेफ्ट में, पर मैंने टॉप की वैल्यू 1 दी थी, तो एकदम स्क्रीन के एकदम टॉप में, टॉप से ड्रॉप है ना, तो टॉप की वैल्यू में बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 200 कर दी यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे अगर 200 की है तो टॉप हाइट उसकी, सॉरी यहाँ हाइट तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऊपर से टॉप शिफ्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है नीचे का बॉटम भी शिफ्ट होगा, तो हमने 400 कर दी, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर से हम लोगों ने 200 टॉप दिया, लेफ्ट टॉप हमारा देखिए 200 लेफ्ट टॉप 200 लेफ्ट टॉप है और नीचे बॉटम इतना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अब बार 3D के बारे में देखते हैं। बार 3D में बस बार के आगे 3D लगा दीजिए और 2 ऑर्गुमेंट्स और बढ़ा दीजिए। वो ऑर्गुमेंट्स क्या है, यहाँ पे डेप्थ देनी है, जैसे डेप्थ हमने 20 दे दी, ठीक है, 20 डेप्थ में जाना है। और पहले टॉप फ्लैग की वैल्यू 0 रखते हैं, तो जैसा कि मैंने डायग्राम में कहा था, देखिए वैल्यू सारे आर्गूमेंट सही हैं, टॉप फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो देखिए बार 3D कुछ ऐसे ऐसे ही ड्रॉ हुई है। देखिए टॉप की वैल्यू पर नहीं है ना, और यही हम लोग नॉन ज़ीरो करते हैं, जैसे 8 कर दिया तो देखिए ऊपर एक सरफेस आ गया। तो अब ये 3D बार एकदम लग रही है, ठीक है। जो 2D बार, जो बार फंक्शन की फंक्शनैलिटी है, उसने देखिए एक सॉलिड कलर में किया है ना, और पीछे जो 2 आर्गुमेंट्स जुड़े हैं उन्होंने पीछे का देखिए एक केवल लाइन ड्रॉ की है। ऐसी बात नहीं, आप इनको भी फिल कर सकते हैं, वो आगे कुछ फंक्शन है जिनका यूज़ करके पीछे किसी को भी कलर सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो अभी आगे उन फंक्शन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये 2 फंक्शन हो गए बेसिकली, एक नॉर्मल बार और एक 3D बार डाउनलोड करने के लिए। 3D बार में सिग्नल ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू टॉप फ्लैग की नॉन जीरो रहेगी तो ऊपर का फ्लैग ड्रॉ नहीं होगा, ऊपर का फ्लैग तब ड्रॉ होगा, अगर वैल्यू टॉप फ्लैग की 0 रहेगी तो वो जो ऊपर एक सरफेस बनी है वो ड्रॉ नहीं होगी। और डेप्थ यहाँ पे डिसाइड करिए कि आपको कितना पीछे जाना है। देखिए हम लोग यहाँ पे डेप्थ 100 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एकदम पीछे चला गया। और टॉप फ्लैग की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो वो अपने हिसाब से फ्लैग को ऊपर सेट कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।